आईपीएल के लाइव क्रिकेट स्कोर वेबसाइट क्रिएट करके कैसे मनी मेक करना है आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस टाइप की लाइव क्रिकेट स्कोर वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं वो भी बिना कोडिंग के नॉलेज के, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स को कंप्लीट करना है। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो आप भी यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। तो इस टाइप की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एपीआई कीज को जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि तो बिना एपीआई कीज के आप यहाँ पर इस तरीके से लाइव स्कोर को फैच नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको यहाँ पर एपीआई की को जनरेट करना है, तभी आप यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। और एपीआई की जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं। तो वेबसाइट का नाम क्या है? cricketdata.org। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। एंड दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप इस वेबसाइट को आसानी से एक्सेस कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, लाइक नेम हुआ, यूज़र नेम हुआ, ईमेल एड्रेस हुआ, पासवर्ड हुआ। आपको यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पास ईमेल आएगा जहाँ पर आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको वहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और इस वेबसाइट के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड दोस्तों जैसे आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपको यहाँ पर दो तरीके से एपीआई की मिलेंगी। तो पहला तरीका यहाँ पर होता है फ्री वाला, जिसके अंदर आप यहाँ पर कुछ लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पर आप अपनी एपीआई कीज बना सकते हैं। एंड दूसरा तरीका यहाँ पर मिलता है पेड एपीआई का, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर डिसेंट कीज मिल जाती हैं, मीन्स आपको यहाँ पर डिसेंट डाटा मिल जाता है जिसका यूज़ कर कर आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, फ्री एपीआई के अंदर आप यहाँ पर कुछ लिमिटेड डाटा को एक्सेस कर पाएंगे और पेड के माध्यम से आप यहाँ पर अनलिमिटेड डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। अब आपकी यहाँ पर चॉइस है आप किसका यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर फ्री एपीआई का यूज़ करने वाले हैं, इसी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैंने इसके अंदर लॉगिन कर लिया है। जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा, एंड यहाँ पर आपकी लाइफ टाइम फ्री एपीआई की मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसका यूज़ कर कर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं। पर वेबसाइट बनाने से पहले हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि तो बिना डॉक्यूमेंटेशन के हम यहाँ पर अपने एआई मॉडल को ट्रेन नहीं कर पाएंगे कैसी वेबसाइट उसको बनानी है। अगर आप अपने एआई मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक आपकी वेबसाइट यहाँ पर ढंग से क्रिएट नहीं होगी। अगर आप अपनी वेबसाइट को स्मूथली क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन उनको क्रिएट करना है, उसी के बाद ही आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अपनी वेबसाइट को रन कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है इसके अंदर, तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है एपीआई टेस्ट प्लेग्राउंड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसको पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसकी भी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर चाहिए आपको उसको यूज़ कर लेना है। जैसे कि मुझे करंट मैचेस और करंट स्कोर इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन का यूआरएल मिल जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन का डाटा मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको यूआरएल और डाटा को कॉपी कर लेना है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर जाना है एंड यहाँ से भी आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन का यूआरएल और डाटा को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट क्रिएट की है, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए लाइव क्रिकेट स्कोर वेबसाइट। वेबसाइट शुड बी क्लीन एंड लुकिंग अट्रैक्टिव एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिव, यूज़ दिस एपीआई की। और यहाँ पर मैंने अपनी एपीआई की को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है यूज़ दिस डॉक्यूमेंटेशन फॉर रेफरेंस, ताकि इसका यूज़ कर कर हमारा एआई मॉडल हमारी वेबसाइट बना सके। और यहाँ पर मैंने दोनों डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ कर लिया है, पहले डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसका यूज़ किया था एंड दूसरा मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर लिया है। अब मैं यहाँ से अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा डीप सीक के ऊपर, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। आप यहाँ पर चैट जीपीटी और ग्रुप का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, डीप थिंक इसके ऊपर टिक कर देना है, देन सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
अब डीपसीक यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, आपकी प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंटेशन व ईपीएस कीज़ को यहाँ पर रीड करेगा, अच्छे से उसको एनालाइज करेगा, अपनी थिंकिंग पावर को चलाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर बेहतरीन सी वेबसाइट बनाकर दे देगा जो कि कुछ ही सेकेंड्स में हमारे सामने आने वाली है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे और देखेंगे कैसा रिजल्ट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिक सी वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। अगर आपको और भी गुड लुकिंग, और भी अट्रैक्टिव, अगर और भी फीचर्स को ऐड करना है तो उसको आप अपने प्रॉम्प्ट के माध्यम से अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके ऊपर मिल जाते हैं जिनका यूज़ कर आप यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे कोड्स जनरेट होने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ ही सेकंड में हमारे सामने हमारे कोड्स आ जाएंगे बनकर, जिसको पहले मैं पर रन करके देखूंगा। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे वेबसाइट यहाँ पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वेबसाइट यहाँ पर वर्क नहीं करेगी तो अगेन हम यहाँ पर अन्य प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करेंगे और अच्छे से अपनी प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेंगे। ओके, तो कोड्स यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ ही सेकेंड्स में हमारे सामने हमारे कोड्स आ जाएंगे। उसको हम यहाँ पर रन करेंगे और चेक करेंगे वेबसाइट यहाँ पर चल रही है या नहीं चल रही है। तो कोड्स हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा रन एचटीएमएल का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और चेक करूँगा वेबसाइट यहाँ पर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो वेबसाइट तो यहाँ पर वर्क कर रही है। देखो मैच किसका चल रहा है, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट का। तो मैं यहाँ गूगल पर जाता हूँ, उन्हीं का मैच चल रहा है। स्कोर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, 209/8, 159/6। और हमारी वेबसाइट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने स्कोर तो नहीं दिखाया, पर इसने दिखाया 28 बॉल पर 52 रन चाहिए। चेक करता हूँ क्या चाहिए, 27 बॉल पे 51 रन, मतलब ऑलमोस्ट बराबर बराबर चल रहा है। इस परफेक्ट वेबसाइट यहाँ पर बन चुकी है। जो कल का मैच हुआ था उसके रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो वर्ल्ड वाइड मैचेस हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वेबसाइट तो इसने यहाँ पर परफेक्टली क्रिएट की है। अगर आप अपनी वेबसाइट को और भी अच्छे से बनाना चाहते हैं, लाइक आप यहाँ पर चाहते हैं कि इसके अंदर अपकमिंग मैचेस भी आ जाएँ, अन्य चीज़ें भी आ जाएँ, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएट कर रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने वेबसाइट यहाँ पर बनाई थी। तो अगर आप उस टाइप की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं ना, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस तरीके से अपनी प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए लाइव क्रिकेट स्कोर वेबसाइट, वेबसाइट शुड बी क्लीन एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड यूज दिस एपीआई की। तो सिंपल सी वेबसाइट इसने यहाँ मुझे बना कर दी थी, पर कोई भी डाटा इसके अंदर नहीं दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर मैंने पहले वाला डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर दिया था जिसके अंदर सारे करंट मैचेस आ जाएँ, वर्ल्ड डॉक्यूमेंटेशन इसमें ऐड किया जिसमें सारे करंट मैचेस जो थे वो सब कुछ यहाँ पर ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा वाला डॉक्यूमेंटेशन ऐड किया था जिसके अंदर स्कोर्स वगैरह आ जाएँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे यहाँ पर कुछ कोड्स बना कर दिए थे। और वेबसाइट कैसे दिखाई दे रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा एंड रन एच टी एम एल इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर इसने इस टाइप से वेबसाइट हमें बना कर दी थी। अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को अलग अलग तरीके से ऐड करते हैं तो इस टाइप की वेबसाइट आपको मिलकर बनकर रेडी हो जाती है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। और यहाँ पर आपको जो भी करंट मैचेस चल रहे हैं उसका भी डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ये चेन्नई वाला मैच का डाटा आ गया, इसका डाटा आ गया, ये वाला डाटा यहाँ पर आ चुका है। ओके, जो हमारा भी लेटेस्ट मैच चल रहा है ना उसका डाटा भी यहाँ पर आ रहा है, देखो ये रहा उसका डाटा भी यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर अपनी लाइव स्कोर क्रिकेट वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, अगर आपको अपनी वेबसाइट को और भी परफेक्ट बनाना है, और भी अच्छे से एलिमेंट को यहाँ पर एलोब्रेट करना है, अच्छे से इमेजेस को ऐड करना है, तो और अच्छे से आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप यहाँ पर देंगे, जितने अच्छे से आप यहाँ पर अपने ए मॉडल को ट्रेन करेंगे, उतनी अच्छी वेबसाइट आपकी यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। तो बेसिक सी वेबसाइट हमने यहाँ पर बना ली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट के कोड को ऐड कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा। अब मुझे अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ब्लॉगर का। तो सिंपली आपको जाना है ब्लॉगर के ऊपर और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट क्रिएट करना है, तो मैं न्यू ब्लॉग इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा लाइव क्रिकेट स्कोर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या करा है, अपनी वेबसाइट का नेम दे दिया है। देन नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ लिख देता हूँ IPL लाइव स्कोर वेबसाइट। इस प्रकार से यहाँ पर मैं इसका नेम दे रहा हूँ, चेक करता हूँ क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर ये अवेलेबल है, अब मैं सेव इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या हो चुकी है, मेरी वेबसाइट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं अपने कोड को यहाँ पर होस्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको थीम के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आपको चूज़ करना है स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम, इसके ऊपर क्लिक करना है
एंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने न्यू पेज आएगा, एडिट एचटीएमएल, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने कोड को रिप्लेस कर देना है, देन सेव, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारी वेबसाइट में क्या हो चुके हैं, हमारे कोड सेव हो चुके हैं। अब मैं चेक करूँगा वेबसाइट यहाँ पर वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो यहाँ पर मैंने वी ब्लॉग इसके ऊपर क्लिक करा है और इस तरीके से हमारी वेबसाइट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको और भी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरी वेबसाइट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मुझे अपनी एड्स को ऐड करना है ताकि मैं अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज़ कर सकूँ और इसके माध्यम से रिवेन्यू जनरेट कर सकूँ। तो इसको मोनेटाइज़ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले एड्स टैरर का, तो सिंपली आपको एड्स टैरर के ऊपर जाना है। इसके ऊपर आपको अपना पब्लिशर अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आना है ऐड वेबसाइट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करना है एंड यहाँ पर आपको इस तरीके से ऐड कर देना है। कैटेगरी चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, कुछ भी चूज़ अदर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर बैनर इसको चूज़ कर लेना है, यहाँ से कोई भी बैनर ऐड को चूज़ कर लेना है, देन ऐड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। वेबसाइट आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और कुछ ही सेकंड्स में आपकी वेबसाइट को यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे कि हमारी वेबसाइट यहाँ पर ऐड हो गई है और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर इस पर अप्रूवल मिल जाएगा। 2 या 3 मिनट का टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ पर किसी और वेबसाइट के ऐड यूनिट का यूज़ कर लेता हूँ और आपको ऐड यूनिट ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ किसका ऐड यूनिट यहाँ पर एक्टिव है, ताकि मैं उसको यहाँ पर, हाँ इसका एक्टिव है, तो इसको मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा ताकि आपको ऐड लग जाए कैसे आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एड्स वगैरह को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं अगेन एडिट एचटीएमएल इसके ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद बॉटम में जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्क्रिप्ट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके नीचे आपको अपने कोड को कॉपी एंड पेस्ट करना है, देन सेव, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब चेक करूँगा कि यहाँ पर हमारे जो हमने यहाँ पर ऐड ऐड करी वो दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमारी ऐड दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड को भी ऐड कर लिया है। अब ओनली अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है। एंड गाइज, आपको पता ही होगा आईपीएल का सीज़न चल रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट को ट्विटर पर प्रमोट करते हैं या फिर आप अपनी वेबसाइट को फेसबुक पर प्रमोट करते हैं, तो भर भर के ट्रैफिक आपको यहाँ पर मिलेगा। इवन आप अपनी वेबसाइट को यूट्यूब पे भी प्रमोट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पर बहुत से ट्यूटोरियल मिल जाते हैं जहाँ से आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को यूट्यूब के ऊपर होस्ट करना है, ओके, यूट्यूब के ऊपर प्रमोट करना है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी लाइव स्कोर की क्रिकेट वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको मोनेटाइज कर सकते हैं और उसके माध्यम से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का मेथड समझ आया होगा, कैसे आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करना है वो भी आपको सुनना होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ ताकि इसी टाइप का ओसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।